भाई ऐसे पंगे पैनफाइट के नहीं चल अच्छा मुझे एक बात याद आई आपकी जितने भी स्टंट्स की वीडियोस चलती हैं खबरें बहुत होती हैं उसके ऊपर एक बाइक के ऊपर कितना पैसा लगा दिया इतनी बार इस स्टंट राइडिंग शुरू की स्टंट राइडिंग में ना मतलब कि बहुत सारों को बंदों को मिथ होता है कि स्टंट राइडिंग जो है वो मतलब कि ऐसी हो जाती है बट जितना पैसा भाई में लगता है है ना उतने सबसे महंगा मेरे हिसाब से की की पे आपने ये नहीं देखा कि कोई स्टंट करते हुए किसी हुई अब आप वो रैश राइडिंग को भी स्टंट का नाम दोगे वो तो फिर सही में में और ज़मीन आसमान का फर्क है क्योंकि dad मेरे एक्सपायर है तो फिर सारे जो मतलब बर्डन वगैरह वो वो लड़के के सीरियल है ब्रेकडाउन का था जब मेरा लास्ट एक्सीडेंट हुआ था 2017 में और तो 2017 में मैंने बाइकिंग छोड़ दी थी बिल्कुल ही तो जम्मू में मतलब कि सर्कल वगैरह कोई करता नहीं था जब मैंने करके छोड़ दिया पॉडकास्ट स्टेशन प्रेजेंटेड बाय रुचि का मेकर्स के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं जानू सन्स उफ जतिन शर्मा जिनकी अपनी यूट्यूब की फैमिली साढ़े लाख से ज्यादा है और वो जम्मू के हैं जानू

तो शुरू से मतलब बाइकिंग का शौक था हाँ बाइकिंग का शौक था मैंने मूवी देखी थी धूम अच्छा तो उधर से मैंने कहा नहीं बाइक जो ऋतिक रोशन वाली आई थी धूम वन धूम तो अच्छा। उधर से मेरे को शौक पड़ गया था नहीं बाइक लेनी है क्या बात तो फिर उसी टाइम पे बाइक ले ली बाइक ले ली मेरी क्लास के बच्चे, जब मैं थी मैंने हाँ। सेवंथ में आया था तो मेरी क्लास के बच्चे थे तो साइकिल थे तब नीचे नहीं पहुंचते थे बड़ी मुश्किल थे एक पहले एक नीचे लगाता था लगाता था तो स्ट्रगल तभी मतलब आजकल ये इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह डालते बैलेंस की सातवीं आठवीं क्लासे सीखे तो जब एट्थ क्लास में नाइन्थ क्लास में टेंथ क्लास में बाइक लेके जाते थे क्लास में तो गाड़ी ले ली थी मैंने टेंथ में गाड़ी ले, ले ली थी हाँ। क्या बात है सेवंथ तो... सिक्स uh, जब पास की थी सेवंथ एट नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ बाइक गाड़ी तो तो मतलब स्कूल में भी ऐसे जैसे YouTube पे दिखते रहते थोड़े से शरारती टाइप के स्कूल में भी वैसे स्कूल तो में तो बड़ा शरारती था मैं अब सुधर गया हूँ अब सुधर गया तो स्कूल में कैसे कैसे क्या क्या, क्या, क्या शरारतें करते थे मैंने भाई स्कूल लाइफ होती है ना हाँ। उसको कोई बीट नहीं कर सकता वो तो, यार। तो है यार तो स्कूल लाइफ में हमने बड़े मजे किए यार हाँ। जैसे कोई किस्सा टीचर्स को तंग किया हुआ हमने अपनी भाई कैमरे तोड़ देते थे क्लास के बड़े पंगे करते थे अच्छा, हेरिटेज स्कूल का किस्सा सुनाओ ना स्कूल का किस्सा ये था भाई कि मेरी जो पूरी क्लास थी ना

क्या बात है तो उसके बाद गाड़ी दसवीं में हाँ गाड़ी भी बहन ने गिफ्ट की तो गाड़ी भी थी बाइक भी थी तो स्कूल में बंक वगैरह तो चलती रहती होगी ना मैंने एज मेरा मतलब बंक बुंक का मेरे को तो, मेरे को मतलब कि घर से ही जब मन नहीं करता था मैं जाता नहीं था ऐसे बंक बुंक में नहीं इतना नहीं किया एक, दो तीन बार ही होगा एक बार ही पकड़ हो गया था उसके बाद तो किया ही नहीं बंक ही नहीं अच्छा जब स्कूल के बाद कॉलेज वगैरह गए तो तब भी सेम ही एटीट्यूड था बाइक को लेकर सेम ही लव या नहीं जब मैं कॉलेज में नया नया गया था मैंने बाइकिंग छोड़ दी छोड़ दी थी क्यों क्योंकि भाई मैंने जब सिक्स पास करके बाइक ली थी ना तो मैंने उस बाइक पे मतलब स्टंट राइडिंग वगैरह शुरू कर दी थी तो मैंने उस पर इतने पैसे लगा दिए थे कि जितने की वो पांच बाइकें नहीं आ जाती हैं एक बाइक के ऊपर कितना पैसा लगा दिया जितनी बार उसका इंजन सीज कर दिया था जितनी बारी पांच बाइकें नहीं आ जाती हैं भाई क्लास से लेकर तो कितना क्या कर दिया था मैंने इलेवंथ ट्वेल्थ तक नॉन स्टॉप राइडिंग किया और मतलब पता भी नहीं होता था क्योंकि इतनी जम्मू में उस टाइम बाइकिंग भी नहीं थी ठीक है फिर उसके बाद राइड राइड स्टार्ट की हमने जम्मू में तो मतलब बीस बीस तीस ती चालीस चालको ती हमने राइड वगैरह की फिर स्टंट राइडिंग शुरू की स्टंट राइडिंग में ना मतलब कि बहुत को बंदों को मिथ होता है कि स्टंट राइडिंग जो है वो मतलब कि ऐसी हो जाती है बट बर...

भी बहुत सारे किस्से हुए हैं अपने जो उत्तराखंड के थे उसके साथ कोई लेन देनी है क्योंकि वो तो भाई घर से बिस्किट लेने निकला था तो उसको हिट कर दिया किसी ने पीछे से गाड़ी से तो वो तो नो एक्सीडेंट है भाई लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कई YouTube पे वीडियोस होती हैं

हाँ जी हैं जी मतलब कि एक तो मैं बहुत छोटा था जब दो हजार नौ की बात है उनकी शादी गई थी फिर एक की टू थाउजेंडीन में होगी थी तो एक की जस्ट अभी हुई है जस्ट अभी हुई है जी। तो जस्ट अभी वाली बहन की शादी का कैसा एक्सपीरियंस क्या थी? भाई तब तक तो हम मतलब भगवान की दया से इतना हो गया था कि इस लाइक हो गए थे मतलब एक दो फंक्शन तो खुद ही करवा दिया था अपनी बहन की शादी खुद ही करवाई थी

ऐसे ट्रीट करते हैं यार जैसे क्या होता है कुछ भी बोलते हैं अपने माँ बाप को ठीक है बाहर फोन नहीं उठाएंगे उनका हुँ. कभी मतलब मेरे भी बहुत ऐसे नोन में ही बंदे होंगे मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि मिसबिहेव करते हैं घर वालों के साथ फिर जब वो उनकी लाइफ से चल जाते हैं ना फिर उनका एहसास होता है कि भाई अच्छा इन चीजों में भी बाप की जरूरत पड़ती है इन चीजों में माँ की जरूरत पड़ती है अब जैसे मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर शिफ्ट हुआ हूँ ठीक है तो उधर भी एहसास होता है कि यार मम्मी होती है तो ये हो जाता है मतलब घर वालों की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता लाइफ में

तो वो भी उतरे इनिशिएटिव लेते हैं सारे जितना की मैं लेता हूँ मतलब सारे मिल बाढ़ के काम करते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे सिर से लेकर अभी तक की बात करूँ सबसे बड़ा का लास्ट एक्सीडेंट हुआ था छोड़ दी थी बिल्कुल मतलब मैं एक बंदे के पीछे बैठा हुआ था ठीक है मैं चला नहीं रहा था तो उसने लीन करते हुए बाइक का इंजन सीज हो गया था और मैं गिर गया था वो घास घूस के ऊपर उसको लगी नहीं मैं जैसे गिरा मैं बेहोश हो गया फिर फिर भाई क्या हुआ वो अननोन बंदे थे जिनके साथ मैं राइड कर रहा था उन्होंने पता नहीं क्या उनके दिमाग में एक ने मेरा भाई फोन निकाल के सिम सुम तोड़ दी फोन तोड़ दिया मतलब उनको लगा की है नहीं है फिर भैया ने उठाया उन्होंने ज्यादा नहीं एक ही दिन

ना अर्निंग ना कुछ भाई कितने पैसे लगा सकता है बंदा <laughs> क्योंकि आप एक बारी भी बाइक गिराओगे ना एक बारी भी तो लगा लो तीन चार हजार का खर्चा करेंगे नॉर्मल बाइक की बात कर रहा से कितना ही दिन में चार पांच बारी वही गिर जाती थी स्टंट राइडिंग को ही बंदा लगाएगा सर्कल वगैरह कोई करता ही था जब मैंने करके है। हुँ हुँ हु। तो जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में शुरू किया था तो इतना पता नहीं था फिर हम जैसे बहुबलाजा पार्किंग वगैरह यहाँ पे करते थे उसके बाद जब थोड़ी समझ आ गई ना उसके बाद हमने एक जगह देख ली थी वहां पर मीरन साहिब वाली साइड वहां पे अंदर एक

तेरी बाइकिंग फार बेटर है मतलब हमने तूने वो उस टाइम में वो सारी चीजें कर दी हैं है। जो लोग अभी भी नहीं कर पाए मतलब कि दोनों हाथ छोड़ के सर्कल भी ली कर ली वो सब चीजें कर ली तो तू तो कर क्यों नहीं रहा यूट्यूब नहीं कर रहा मैंने मजाक मजाक में ऐसे ही ब्लॉग डाल दिया ठीक है उस पर दस बीस के क्रॉस हो गए व्यूज हाँ तो उसके बाद मैंने मेरा तीसरा ब्लॉग था उसमें अलियान क्रैश हो गया था तो वो वीडियो मेरी पांच छ मिलियन चल गई थी

क्योंकि आपके ऑडियंस बहुत सारे है कुछ भी <laughs> बोलो बोलो भाई <laughs> नहीं मतलब मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप दिन भर ऐसे रहते थे फ्रेंड वगैरह साथ में रहते थे लोग दोनों आप दोनों को देखना साथ में पसंद करते थे तो नॉट मोर देन फ्रेंडशिप मतलब

रोड पे कंटेंट नहीं ढूंढ सकते आप चाहे जो मर्जी हो आप भी कभी कोई नॉर्मल बंदा भी भाई रोड पे निकल जाएगा तो वो नहीं देख सकता कि भाई किसी का हर रोज नहीं हो सकता कि किसी का एक्सीडेंट हो गया मेरी आंखों के सामने कुछ ही हो गया वो हो गया क्योंकि कभी लड़की थप्पड़ मार रही है कभी क्या कुछ हो रहा है देखते रहते हैं हम नहीं कभी कभी तो भाई रियल भी होता है ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ फिफ्टी परसेंट जैसे

मतलब इतनी आ <laughs> तो मतलब हाँ। बात नहीं है एक तो आजकल जो जितनी भी जनरेशन है ना कोई काम गुम नहीं करे जैसे घूमते वगैरह मेरी तो सबसे यार यही है कि भाई यूट्यूब नहीं कुछ भी करो चाहे आपकी एज सेवनटीन है सिक्सटीन हाँ। है मैटर

सात आठ महीने में वन मिलियन के कर दिया था आठ मिलियन मतलब एक, बहुत बहुत है। है। एक तो हो ना अगर आपके पीछे तो आप कर सकते हो भाई अगर आप खुद की मेहनत से करोगे ना मेरे लिए खुद की मेहनत से एक मिलियन पहुंचना बहुत बड़ी बात थी उसके बाद मैंने एक ब्रांड प्रमोट कर दिया था लोटस थ्री तो उसकी वजह से कम्युनिटी गाइडलाइन क्यों क्यों भाई मैंने मतलब जैसे उन्होंने ऐप प्रमोट किया था लोटस उसकी वजह से कॉम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई थी क्योंकि वो इंडिया में प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है तो वो फिर की आई, स्ट्राइक तो आपकी, उसकी तीन एड्स की थी ठीक है? जितने यू, मैं, जितने यूट्यूबर पर जो सीखना चाहते हैं उनके लिए पूछ रहा हूँ ना अच्छे से हुए, एक आती है आपको वार्निंग सबसे पहले ठीक है उसके बाद होती है तीन स्ट्राइक्स अगर जो वार्निंग में आपको वार्निंग चीज है ना उसमें से भी चैनल डिलीट हो सकता है टोटली डिलीट

कौन ये भाई अर्जुन है मेरा भाई हाँ. ठीक है और मतलब जितने भी थे सारे दोस्त यार हाँ. मिले कह रहे मतलब हाँ मैंने देखा तो उस पे तो पे तो सारे स्टोरी डाल रहे थे सारे मतलब एक दम से जानू का चैनल डिलीट हो गया नया चैनल उसको सपोर्ट करो उसको सब्सक्राइब करो उसको लाइक करो उस टाइम पे आपको पता लगा यार कौन है आपके जी जी भाई ये नहीं होता मतलब कि यार ही ना इधर से नहीं मैं मान मैं मानते नहीं हूँ कि YouTube वगैरह या इस सब से कोई यार वो यार उस टाइम होता है भाई कि जब आपके पास कुछ नहीं हो ना तब वो बंदा साथ खड़ो उसको यार बोल वैसा मोमेंट शेयर करो ना कब आपको लगा ऐसा कि ये मेरा यार है असली कोई मोमेंट ऐसा रहा हो आपकी लाइफ में भाई बड़े सारे मोमेंट है यार जैसे जैसे कि मतलब बहुत सारी चीजें यार कई कई तो मतलब ऐसे दोस्त निकले हैं मेरे कि मतलब मैं उनको बोल भी नहीं सकता ये मेरे दोस्त हैं मैं एक मोमेंट ऐसा सुनना चाहूंगा मैं बड़ा मतलब इंटरेस्ट आ रहा है ऐसा कोई एक ऐसा मोमेंट जब आपको पता लगा हो कि यार ये मेरा दोस्त है इसने इस टाइम पे मतलब भाई अर्जुन है अर्जुन जो भी मेरे सबसे सब 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 खास है ठीक हुँ? है तो एक टाइम था मतलब कि जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना मैं आपको स्टार्टिंग की कहानी बताता ना मेरे पास खुद की बाइक थी ना मेरे पास खुद का हेलमेट था ना मेरे पास खुद की जैकेट थी अच्छा। किसी की जैकेट किसी की बाइक किसी की हेलमेट सिर्फ फोन मेरा था वो भी आईफोन इलेवन अच्छा ठीक है हाँ। आई फोन इलेवन से की थी तो तब मेरे साथ अर्जुन था तो मेरे पास बाइक नहीं थी तो फिर मैंने भाई मतलब कि अब देखो भाई आपके पास अगर कोई चीज नहीं ना होगी तो आपके पास लोग आएंगे सीधी सी बात आजकल ट्रेंड यही चल रहा है तो तब अर्जुन साथ रहा ठीक है अर्जुन की बाइक पे मैंने कितने ब्लॉग्स बनाए तो फिर मतलब बंदे को पता चल जाता है यार उसी टाइम की ये कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या सीन है फिर जब फेम आ जाती है फिर तो सारे आ जाते हैं अभी फेम के बाद वैसा कोई आया कि जो पहले नहीं था भाई बहुत बंदे हैं बहुत बंदे सारे साथ में होते हैं जी और रिसेंटली मैंने इन्होंने इनका बर्थडे भी था सेलिब्रेट किया टाइम इतना करता तो हम क्यों ना करें अब मेरे कितने दोस्तों के बर्थडे होते है उनके लिए केक्स क्रैकर अभी जैसे अर्जुन की बात लेता तो अर्जुन का बर्थडे था अर्जुन का बर्थडे ऐसा सेलिब्रेट किया था भाई जैसे पूरा देख रहा था ये सैनी कॉल हो क्या रहा है क्या क्या किया था भाई क्रैकर्स चलाए थे इसके नाम के केक थे मतलब बड़ी सारी चीजें थी ऐसे आगे पीछे आगे पीछे मुल्ले वालों ने वो लाइक क्या कर रहे हो मुल्ले वाले काम बोलेंगे क्यों <laughs> मुल्ले वाले पटाके रखे हुए आगे ही है बस अच्छा मेरे ना एक चीज नोटिस की इनकी रील्स वगैरह भी देखी और इनकी गाड़ी पे भी ना हिंदू लिखा है सो यू आर प्राउड मतलब थोड़ा सा बताओ उस बारे में भाई देखो सारे मैं ये नहीं बोलता सबको ना अपने धर्म का स्टैंड लेना चाहिए ठीक है तो भाई अगर कोई मेरा भाई मुस्लिम है तो उसको गर्व से बोलना चाहिए यार मैं मुस्लिम हूँ ठीक है भिल्कोल। कोई मेरा भाई सिख है तो उसको मतलब की अपने धर्म के लिए स्टैंड लेना चाहिए और भाई ग्दु. मैं हिंदू हूँ तो मैं गर्व से बोलता हूँ भाई हाँ हिंदू मैं क्या बात है बहुत ठीक है ना और मैं चाहता हूँ यार जैसे कई बंदे बच्चे हैं जो भी यूथ है नशे में जा रही है कोई कुछ कर रहा है कोई अवारा गर्दी कर रहा है तो यार ये चलो आपने कोई काम नहीं करना कम से कम अपने धर्म की साइड तो लो भाई सुबह मंदिर जाओ ठीक है मैं

हमारी कोई आपस में ये हो कि भाई ये मेरे लिए लिए ऐसे बोलते हैं मैं उनके है सही बात है, जैसे जानू ने कंटेंट की बात तो कंटेंट डालना पड़ता है जैसे हम भी ना बकलोल टीवी पर कंटेंट डालते हैं और जैसे लड़कियों का कंटेंट रहता है या कुछ फीमेल इन्फ्लुएंसर का बंदे कमेंट करने शुरू हो जाते हैं कि ये, ये। तो मतलब ये है ये वो है ये लड़कों का इंटरव्यू कभी नहीं करता हालांकि हमने पिछले एक हफ्ते में मतलब तीन बार लड़कों का इंटरव्यू किया होता है अब वो देखता कोई नहीं हमारी गलती है वो देखता कोई नहीं हमारी गलती है अब मैं आपको लड़कियों की बात उनकी वीडियो उनके चैनल पे इतनी वीडियोज हैं ठीक है जब उनका टाइटल यूज होगा स्टंट बाज हाँ उसके व्यूज और नॉर्मल व्यूज को चेक कर लेना क्योंकि भाई लोग देखना ही वो पसंद करते हैं तो भाई मजबूरन डालना पड़ता है हमारा भाई हमारा काम ही वही है हाँ, उसी से पैसे मिलते हैं बिल्कुल हाँ।

सोशल मीडिया पर यही चल रहा है जानू सैंड की लड़ाई में देखू हुआ क्या हुआ क्या हुआ था वो सिद्धरा वाली साइड मैं दो... रस्ते में खड़ा था हाँ ठीक है आ, मेरा क्या गोप्रो हैंग हो गया था मैं उसकी ना बैटरी निकाल के चेंज कर रहा था मेरा गोप्रो ऑफ था तो मेरे सामने गाड़ी रुकी गाड़ी वाला आया जानू बोना मैंने कहा मैं हूँ कहता तूने मेरे आगे काट मारा था पांच दिन, मेरे उस दिन, दिन हाँ, कहता मैं उसके बड़े दिन बाद घर से निकला था मैंने कहा पांच दिन पहले कैसे मेरी तो बहन की शादी थी मैं तो निकला नहीं ये नहीं। नहीं वो कॉलर पकड़ गया डायरेक्ट हाँ तो फिर उन्होंने ऐसे ऐसे धक्का वगैरह किया तो फिर बड़ी मुश्किल से उधर से लड़ाई छूटी ठीक है उसके बाद सीधा वापिस होगी उसमें वो लड़की भी थी वो पल्लवी जो वो आपके ऊपर लगा रही थी इल्जाम की आपस में सच्चाई भाई क्या ही होगी यार सच्चाई होती तो अभी तक हम अंदर होते वैसे अंदर हुआ कभी नहीं भाई आज तक तो भगवान की दया से टचवुड है कभी ऐसा हुआ ऐसी बताई कि होते होते रह गए नहीं नहीं भाई कह क्योंकि यार बदतमीजी नहीं की आज तक अभी किसी के साथ जो हंस के मिलता है उसको बड़ा हंसके मिल लेते हैं जो भाई नहीं बोलाता तो उसका बात नहीं करते अच्छा यार जैसे कि अभी पॉडकास्ट से पहले ना मैं आपका इंस्टाग्राम थोड़ा सा फरोल रहा था कमेंट सेक्शन वगैरह पढ़ रहा था लोग आपको आमिर माजिद के साथ बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं फिर भाई की... मुझे नहीं पता क्यों

तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मेरा एक मिल... ये भाई मैं अगर मिलियन करूंगा चैनल पे तो मैं एक मिलियन नहीं करूंगा मैं दो मिलियन करूंगा क्योंकि एक मिलियन में पहले ही कर चुका हूँ बिल्कुल ठीक है ना ये मेरा दो मिलियन सब्सक्राइबर तो मेरे को वैसे कम्पेरिजन वाला है नहीं है क्योंकि मेरे को इतना पता है कि यार जो मतलब की नेचुरली बात है ठीक है जिस स्किल से हम राइड करते हैं जो ज, 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 जैसे मैं राइड करता हूँ जो भी है ना तो उस स्किल से अगर कोई राइड कर रहा है उसके साथ कंपैरिजन करोगे तो सही बात है बाकी मेरे को इसके साथ मैं, मैं चाहता भी नहीं हूँ कोई कंपैरिजन वगैरह करे या कुछ ऐसा कोई मतलब सही हो ना जो ना राइडिंग में भी करे बीट उससे कंपैरिजन करो तो हमें मजा से कंपैरिजन करो तो आपको नहीं लगता सही ना, ना, ओके ना, तो लोग ऐसे इसलिए भी शायद से कंपैरिजन करते होंगे क्योंकि दोनों जम्मू के हो हाँ यही तो मेन बात है यही मेन बात है भाई दोनों जम्मू के हैं तो कंपैरिजन कर रहे हैं पता नहीं समझ नहीं आती कंपैरिजन क्यों करते हैं भाई

पर अच्छा है ठीक है ना मैं मतलब मैं चलो ऐसे बोलेंगे लोग अपनी तारीफ कर रहा है भाई पर मेरी हर किसी के साथ बनती है जी एंड गेम में हर किसी के कोई ऐसा ब्लॉगर कोई ऐसा कुछ नहीं है अब भाई मेरी हर किसी के साथ बनती है और एक बंदा ऐसा है जिसकी भाई किसी क्रिएटर के, के साथ नहीं बनती तो भाई ऑब्वियसली दिमाग लगाने वाली बात है कुछ तो बात होगी ना ऐसी जिसकी वजह से भाई उसकी नहीं बनती किसी के साथ ओके तभी जो है दोस्ती नहीं नहीं बाकी ज्यादा बात करेंगे बाकी हाँ बिल्कुल हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, करेंगे। पॉडकास्ट है ज्यादा बातें थोड़ी करते हैं इसमें थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे anyway, तो फिलहाल यार देखो आपका गाना आ रहा है उसको प्रमोट करना बस जितना हमारी सा, हमारी साइड से जम्मू की जनता जितनी देख रही तो मैं चाहूंगा जानू स्टैंड का जो गाना है वो आने वाला है थोड़ा सा आ आ चुका है भाई सॉरी सॉरी पचास हजार का मेट भी हो चुके हैं सॉरी मैं भूल गया तो ये गाना खुद गाया अपने और सिंगिंग वाली लाइन में आ रहे हो खुद गाया थोड़ा सा गुनगुनाओगे गुनगुनाओगे थोड़ा गाना मतलब गाना गाकर दिखा दो थोड़ा सा गाकर दिखा दूंगा भाई गाने की लैंग्वेज ऐसी है अब करके वो हमें बदनाम करते हैं कैरू की महफिल में जाके हंसी हो शाम करते हैं क्या बात है कौन थी बारे भाई ऐसी गाना है यार अभी तो सीरियस ले लेते क्या होता है जिंदगी में कोई हो तो नहीं नहीं अच्छा यार सीरियसली ये तो मैं पूछना ही भूल गया कैसे पूछ सकता हूँ जानू सेंट सिंगल है या मतलब जतिन जतन नहीं भाई सिंगल नहीं हो नहीं नहीं, नहीं, नहीं

होंगी भाभी बोलेंगे हम तो लोगों को नहीं पता लगेगा या कब पता लगेगा कि कौन आ, है भाई साल दो, तीन साल तक के बाद हाय राम मतलब तो इतना वेट लंबा इंतजार करना पड़ेगा सो पड़े। so, थोड़ी सी लड़कियों का दिल टूटा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता पर जतिन शर्मा उर्फ जानू है, वो सिंगल नहीं है एनी वे जानू बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके एंड सीरियसली देखो मतलब जितनी मैं इनको जान पाया हूँ और बात कर पाया हूँ ठीक है स्टंट का भी एक अलग एक साइड है में भी आप आगे जा सकते हो लेकिन अगर तरीके से करो रोड के बीच में ना करो और लोगों को हानि ना पहुंचाते हुए करो तो भाई ना? देखो अगर मैं भी रोड के बीच में करता रहता ठीक हाँ। है तो आज उस लेवल पे नहीं होता जिस पे पे हूं बिल्कुल ठीक है साइड करो सेफ करो एक बार आपको सेफ चीज का पता चल जाए ना मैं यहाँ पर व्हीली करूंगा मुझे पता मैं दरवाजे के साथ हिट नहीं होगा क्योंकि मैं टर्न करूँगा जब आपको उस चीज का पता चल जाएगा ना फिर चाहे आप जो मर्जी करो बट यार कई मैंने देखा है अभी जम्मू में मोटो लॉन्ग का जब ट्रेंड चला ना लोग रोडो पे पता नहीं क्या करना शुरू हो, भी हो रहा है भाई, मैं भाई देख कट रहा हूं। मार है मतलब ऐसे ऐसे को भी ठोक रहे हैं और मुझे एक तो ये समझ आ रही है, हर जम्मू में जिसके पास कुछ नहीं है ना भाई मतलब जो कुछ नहीं कर रहा वो भाई मोटो व्लॉगिंग कर रहा है और मोटो ब्लॉगिंग ये नहीं कर रहा की भाई कुछ दिखा नहीं रहा की आज हम जैसे हमने किए लद्दाख राइड ये कुछ नहीं चीज है जो हाँ ठीक है लद्दाख राइड की वो भाई क्या कर रहे हैं कट मारेंगे इधर आंटी को किसी को डरा देंगे हाँ। वो भाई अगर कोई हमारी माँ के साथ ही ऐसा करे भाई किसी को कोई डरा दे तो हम, हमारा रिएक्शन क्या होगा ना तो ये चीज गलत है मोटो व्लॉगिंग है भाई कुछ दिखा दो कोई कंटेंट दिखा दो ठीक मोटो मोटो है मोटोलॉगिंग कंसेप्ट है आप कोई कंटेंट दिखा दो कहीं आप ट्रैवल करने जा रहे हो जैसे अभी हम लद्दाख राइड की थी हमने पिछले साल इस साल वापस जा रहे हैं लद्दाख राइड किया लद्दाख राइड का कंटेंट दिखा दो हमने उत्तराखंड राइड की उत्तराखंड राइड दिखा दो मतलब ऐसी चीजें दिखाओ कहीं बंदे क्या कर रहे हैं भाई मोटो वाले अलग लेवल में लेके जा रहे हैं कट मारेंगे अपना भाई किसी को ठोक देंगे कुछ भी कर रहे हैं यार पुलिस के भाई हाँ भाई एक तो एक एक बंदे ने भाई पुलिस वाले के ऊपर चढ़ा दी हाँ, मैंने देखा था वो जम्मू में ही हुआ था ये भी। पता नहीं क्या चल रहा है यार जम्मू में इसलिए भाई हमने जम्मू से ना शिफ्ट कर दिया हम भी कभी राइड पे निकलते हैं ना सिद्धरा वाली साइड मैं जा रहा नॉर्मल ब्लॉक कर रहा कोई पीछे से आएगा ऐसे कट मार के जाएगा कोई इधर से आ गया ऐसे कट मार के जाएगा पता नहीं क्या चक्कर है मेरे घर के बाहर साइकिल पे आते हैं लड़के

जो जितना मर्जी भी समझा लोगे नहीं मानते चलो एनीवेज जानू बहुत अच्छा बातचीत करके जाते एक ही दस साल हो गए अब डर निकल चुका है।, है अब रोज की बात है चलो स्टंट राइडिंग छोड़ दी है ऑलमोस्ट छोड़ दिए अब स्टंट मतलब जानू के दिखेंगे हमें नहीं दिखेंगे मतलब स्टंट राइडिंग छोड़ने का मतलब ये है कि भाई अब हर एक ब्लॉग स्टंट पे नहीं होगा जैसा पहले थे होते थे कुछ कुछ अब नॉर्मल ब्लॉगिंग होगी hmm, स्टंट जो है वो जानो ने छोड़ दिए चलो एनीवेज बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके एंड द पॉडकास्ट स्टेशन प्रेजेंटेड बाय रुचि का में फिलहाल इतना ही लेकिन जानू अपनी अच्छा कर रहे इसलिए इनको मिलता है उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट जो पसंद आया होगा एंड पॉडकास्ट का कमेंट सेक्शन में बताइएगा साइनिंग ऑफ ऑनऑर यू गाइस की वॉचिंग दकल टीवी